5 अक्टूबर से हिंदुस्तान की सरजमी पर क्रिकेट का महाकुंभ यानी वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। इतिहास में पहली बार भारत अकेले वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है। साल 1975 से चले आ रहे इस विश्व कप का इतिहास बहु रोचक और मनोरंजक है। वर्ल्ड कप का ये 13वां संस्करण है। सभी फैंस को पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल हमेशा याद रहेगा, क्योंकि क्रिकेट के इतिहास का सबसे अनोखा और सबसे दिलचस्प मैच वही था। पहली बार ऐसा हुआ कि सुपर ओवर भी टाई होने की वजह से वर्ल्ड चैंपियन का फैसला बाउंड्री काउंट से हुआ। क्रिकेट विश्व कप में कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित हुए हैं जिन्हें तोड़ पाना तो दूर, बल्कि इसके करीब पहुंचना भी आज के क्रिकेटरों के लिए मुश्किल है। आइए हम आपको बताते हैं विश्व कप इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक बातें। वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने साल 1975 और 1979 में अपनी कप्तानी में वेस्टइंडीज को विश्व विजेता बनाया था, और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग ने 2003 और 2007 में अपनी कप्तानी में दो बार ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप का विजेता बनाया, जो दुनिया का बाकी कोई कप्तान नहीं कर सका है। नीदरलैंड के नोलान क्लार्क वनडे विश्व कप में हिस्सा लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। उन्होंने 47 साल 257 दिन की उम्र में साल 1996 में वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो 60 ओवर और 50 ओवर वाले दोनों वर्ल्ड कप जीत चुका है। भारत ने जब पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, तब वो 60 ओवर का टूर्नामेंट होता था, और आगे चलकर भारत ने 2011 में 50 ओवर वाले क्रिकेट विश्व कप को भी अपने नाम किया। ये कारनामा दुनिया का दूसरा कोई देश नहीं कर सका है, और ये रिकॉर्ड तोड़ पाना भी नामुमकिन है। वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल और मार्लन सैमुअल्स के नाम विश्व कप में सबसे बड़ी साझेदारी करने का रिकॉर्ड दर्ज है। इन्होंने गांगुली और द्रविड़ का रिकॉर्ड चकनाचूर किया था, जो उन्होंने साल 1999 में बनाया था। गेल और सैमुअल्स ने 372 रन की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के खिलाफ स्थापित किया था। चलिए अब आपको बताते हैं वर्ल्ड कप की ऐसी उपलब्धियों के बारे में जिन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। वनडे वर्ल्ड कप में 6 छक्के जड़ने का कारनामा दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हर्षल गिब्स ने सबसे पहले किया था। गिब्स ने दक्षिण अफ्रीका की पारी के 30वें ओवर में नीदरलैंड्स के गेंदबाज वेन बंगे की लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया था। इस ओवर से पहले गिब्स 30 गेंद पर 32 रन बनाकर खेल रहे थे, और इस ओवर के बाद उनका स्कोर 36 गेंद पर 68 रन हो गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा केवल एक ही बार हुआ है। वनडे क्रिकेट में 6 छक्के जड़ पाना लगभग नामुमकिन होता है, इसलिए हर्षल के इस कीर्तिमान को तोड़ पाना भी लगभग नामुमकिन है। लसित मलिंगा ने 4 लगातार गेंदों पर वनडे वर्ल्ड कप में 4 विकेट चटकाए हैं। मलिंगा से ये उपलब्धि छीनने के लिए किसी भी गेंदबाज को 5 लगातार गेंदों पर 5 विकेट चटकाने पड़ेंगे, जो लगभग असंभव है। लसित मलिंगा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में पारी के 45वें ओवर की आखिरी 2 गेंद पर 2 विकेट मिले थे, और इसके बाद 47वें ओवर की शुरुआत की 2 गेंदों पर मलिंगा ने 2 शिकार किए थे। वनडे वर्ल्ड कप में किसी एक गेंदबाज द्वारा 4 लगातार गेंदों पर 4 विकेट हासिल करने का कारनामा केवल एक बार हुआ है, और ये कारनामा किया है लसित मलिंगा ने। 2007 वर्ल्ड कप में गयाना में लसित मलिंगा ने शॉन पोलाक, आंद्रे हॉल, जैक्स कैलिस और मखाया एंटनी को आउट किया था। ऐसे में ये रिकॉर्ड तोड़ पाना भी थोड़ा मुश्किल है। वर्ल्ड कप इतिहास के अनूठे रिकॉर्ड्स की फेहरिस्त में श्रीलंका के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज कुमारा संगकारा का नाम भी आता है। 2015 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका के कुमारा संगकारा ने लगातार 4 मैचों में 4 शतक लगाए थे। उन्होंने बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ ऐसा किया था। उनके अलावा किसी भी खिलाड़ी ने वनडे वर्ल्ड कप में लगातार 4 शतक नहीं जड़े हैं। भारत के वर्तमान कप्तान रोहित शर्मा 2019 वर्ल्ड कप में लगातार 3 शतक लगाकर इस रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए थे, लेकिन संगकारा के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 5 लगातार पारियों में शतक जड़ना पड़ेगा, जो लगभग नामुमकिन लगता है।